हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। मफिन्स का रेसिपी, वो भी ओट्स और बनाना मफिन्स का रेसिपी और शुगर फ्री रेसिपी। तो आइए देखते हैं रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके लिए ओट्स और बनाना मफिन्स बनाने के लिए हम पहले आधा कप ओट्स ले लेंगे और इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए और एक फाइन पाउडर बना लीजिए। तो ग्राइंड करके हम एक पाउडर बना लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। इसके बाद एक बनाना ले लेंगे। तो बनाना को हम एक फोर्क की मदद से उसको प्रेस कर लेंगे। अगर आप छोटे वाले ले रहे हैं तो दो लीजिए। तो इसको फोर्क की मदद से आप इसे प्रेस करके मैश कर दीजिए। देखिए ऐसे ही मैश करना है, अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 1/3 कप ऑफ तेल ले लेंगे। हम यहाँ पे कोई बटर नहीं ले रहे या फिर कोई शुगर भी नहीं ले रहे, तो बिल्कुल शुगर फ्री रेसिपी है। तो ऑयल 1/3 कप ले लेंगे। इसके बाद 3 बड़े चम्मच 3 टेबल स्पून हम हनी ले लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 4 टेबल स्पून हनी भी ले सकते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब वेनिला एसेंस डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से विस्क करके मिला लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है। इसके बाद सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो 1 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो आटा से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैदा से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, इसके लिए हम यहाँ पे मैदा ले रहे हैं। और इसके बाद 1/2 कप ऑफ ओट्स डाल देते हैं, उसका पाउडर जो बनाया था हमने। अभी ये 1/2 टीस्पून करीब बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ध्यान रखिए जितना आपको मैदा लेना है उससे उसी हिसाब से 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उससे 1/2 बेकिंग सोडा आपको डालना है, और चुटकी भर नमक, क्योंकि नमक बहुत ही एनहांस कर देता है टेस्ट को। जो भी मीठा हम बनाए अगर उसमें नमक डाले तो टेस्ट एनहांस हो जाता है। और इसको टैप करके एक बार हम सीख कर लेते हैं, छान लेते हैं ताकि इसमें एसन आ जाए। अभी कटन फोल्ड करके इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। पहले देखिए मिक्स हो चुका है, तो हमें थोड़ा बैटर थोड़ा थिन बनाना है। तो इसके लिए हम बैटर बनाने के लिए और थोड़ा सा दूध लेंगे। धीरे धीरे मिल्क ऐड कीजिए, मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। धीरे धीरे मिल्क ऐड करके ऐसे बैटर हमें बनाना है जैसे ऐसे गिरना चाहिए धीरे धीरे, एक साथ ना गिरे, धीरे धीरे गिरता रहे, तो वैसे बनाना है। एक मफिन्स माउल मैंने ले लिया है मफिन्स का, और उसके बाद उसको ऑयल से ब्रश कर दिया है। आप इसको चाहे तो पूरा एक टिन में भी बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बेकिंग पेपर जो होता है, बेकिंग कप्स, उसको डाल देते हैं इसमें, पेपर कप्स। और इसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लिया था। इसके बाद जो बैटर हमने बनाया था उसको इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल पूरा मत डालिए, थोड़ा सा गैप छोड़िए ताकि राइस होने पर ऊपर आ सके। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा ओट्स और थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स के ऊपर डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा मफिन्स हमारा। तो पहले से ही मैंने ये बन चुका है मफिन्स, तो पहले से ही प्रीहीट किया हुआ ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में प्रीहीटेड ओवन में हम डाल देंगे इसको। 180 डिग्री सेल्सियस में बेक करेंगे करीब 15 से 20 मिनट तक।
एक बार 15 मिनट में चेक कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो 5 मिनट और डाल दीजिए। तो इसके बाद देखिए मफिन्स बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। तो टूथपिक लेके आप टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टूथपिक पूरा क्लीन निकल रहा है, इसके मतलब मफिन रेडी हो गया है। मुझे 15 मिनट लगे थे, आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने टाइम लगेगा। इसके बाद इसको ठंडा होने देते हैं। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद बेकिंग पेपर को निकाल दीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छा स्नैक है, शुगर फ्री स्नैक है। आप चाहे तो एक कप चाय के साथ इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही आप काटिए। देखिए कैसे बनता है, पूरा टेक्सचर कैसे आया है। तो घर में बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।